हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमारा जो है सेकंड चैप्टर चल रहा था टाइम मशीन की एक यात्रा, जो कि एक वैज्ञानिक कथा थी और उसके लेखक जो थे एच जी वेल्स, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स थी, है ना। तो अब कल तक की हमने घटना पढ़े थे कि जो लेखक के मित्र हैं वो उनके यहाँ पर मतलब जो वैज्ञानिक मित्र है उसके यहाँ पर भोजन के लिए गए थे और उसके बाद वो मित्र गायब हो गए थे। और उसके बाद जब आए तो उन्होंने उनके साथ जो घटना हुई उसके बारे में बताया। तो बोले कि जब कुर्सी का वो जो यंत्र है, जो कुर्सी जैसे था, उसका उसको हैंडल को ऊपर की ओर किया तो हैंडल जो है ऊपर की ओर जाने से उन्होंने 20वीं, 21वीं और 22वीं सदी की यात्रा कर ली। और फिर जैसे ही हैंडल को नीचे घुमाया तो क्या हुआ कि अगले पल ऐसा लगा जैसे सैकड़ों बिजली कड़कने लगी, है ना। मारे भय की मेरी आंखें बंद हो गई और सारा शरीर सुन्न हो गया। कुछ देर बाद जब आंखें खुली तो मैंने स्वयं को एक हरे भरे मैदान में पाया। सामने क्या था, एक बड़ी मूर्ति सी दिखाई दे रही थी, है ना। बहुत बड़ी मूर्ति थी, उसके दोनों ओर पंख थे जैसा कि मिस्र के पिरामिडों के पास बनी मूर्तियों के होते हैं। आसपास बड़ी बड़ी इमारतें थी, है ना। और उसके बाद फिर है बोलते कि उस सबको देखकर मैं बड़ी गहरी सोच में पड़ गया। फिर वहाँ पर देखे कि कुछ बच्चे आ गए हैं, है ना, और वे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। वे आपस में बात कर रहे थे और उनकी भाषा बोलते हैं लेखक मेरी समझ में नहीं आ रही थी। और उसके बाद बोलते हैं कि उनकी आवाज़ बहुत मीठी थी, बिल्कुल बच्चों जैसी। वो जितने लोग आए थे उनकी आवाज़ कैसी थी, बच्चों जैसी। तो अब आगे जो है हम आज पढ़ेंगे। देखिए, उनमें से एक ने सूर्य की ओर संकेत करते हुए पूछा, क्या तुम सूर्य से आए हो? मैंने उनसे प्रश्न किया। मैं हंस पड़ा। इतने में एक व्यक्ति ने मेरे गले में फूलों का हार डाल दिया। फिर उन्होंने मुझे अट्टालिका की ओर चलने के लिए कहा। यानी अट्टालिका मतलब होता है अटारी या महल, मुझे बहुत बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे थे महल के समान, उसकी ओर चलने के लिए संकेत दिया। अट्टालिका संगमरमर की थी, है ना। यानी जो चिकने चिकने पत्थर होते हैं ना सफ़ेद रंग के, उसको बोलते हैं संगमरमर। तो संगमरमर की थी। दीवार पर बनी खिड़कियों में काले रंग के मोटे मोटे पर्दे टंगे हुए थे। जब वे अंदर गए तो वहाँ लगभग 100 लोग थे जो फर्श पर बैठे हुए थे। उनके सामने चौकियाँ थीं जिन पर सुंदर पात्रों में तरह तरह के फल रखे हुए थे। उनका स्वभाव बिल्कुल बच्चों की तरह, है ना, वो जो थे उनके साथ में। वे सब खिलखिलाकर हंसते और आपस में मुस्कुराते बातें करते। वे सब उत्सुकता से मेरी ओर देखते। कुछ तो बच्चों की तरह दौड़कर मेरे पास आते, जबकि वो क्या थे, बड़े थे, लेकिन बच्चों की तरह हरकत करते थे। मुझे छूते फिर मेरी किलकारियाँ मारकर लौट जाते। अब दिन ढलने लगा था। मैं उन्हें छोड़कर बाहर निकल आया, यानी कि शाम होने वाली थी। कुछ विशाल अट्टालिका की दूसरी ओर एक नदी थी, है ना, उसके किनारे पर नदी थी। मैं नदी की ओर बढ़ गया। मुझे अनेक प्राचीन खंडहर नज़र आए, खंडहर यानी गिरे हुए मकान जो टूट फूट जाते हैं, है ना। एक स्थान पर एक कुआं था जिसके ऊपर छत थी, यानी कि कुएँ का पानी गंदा ना होकर के छत भी रहती है ना कई कुओं में, तो वैसे ही थी। अचानक मेरी दृष्टि पंख वाली मूर्ति पर पड़ी और अगले ही पल मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या क्या कारण था इसका, अब देखिए। कारण, मेरा कालयंत्र गायब हो गया था। वो जो उनकी मशीन थी वो क्या हो गई थी, गायब हो गई थी। मैं भयभीत हो उठा, मैं डर गया। कालयंत्र के बिना मैं अपनी दुनिया में कैसे लौटूंगा, ऐसा सोचने लगी। कालयंत्र को मैं मूर्ति के पास ही छोड़ आया था, जो मूर्ति सामने दिखी थी ना वहाँ पर छोड़ आए थे। अब वह वहाँ नहीं था। किसने उसे गायब किया, किसने उसे चुराया, क्या उन नन्हे मुन्ने सुंदर लोगों ने? मैं उस अट्टालिका के अंदर गया आया। वहाँ अब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। मैंने एक व्यक्ति को जगाकर उससे कुछ पूछना चाहा, पर वह मेरी बात नहीं समझ पाया, वह फिर सो गया। अब क्या हुआ, चारों ओर अंधेरा था। मैं निराशा के सागर में गोते लगाने लगा, यानी मुझे बहुत दुख हो रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं विवश हो गया। कर भी क्या सकता था क्योंकि वो यंत्र मेरे पास नहीं था। जैसे जैसे रात बीती, सूरज के निकलते ही मैं दौड़कर पंख वाली मूर्ति के पास पहुंचा। मैंने देखा कि जिस जगह मैंने अपना काल यंत्र रखा था वहाँ ज़मीन लकीर की बनी हुई है, है ना। ऐसा लगता था कि कुछ लोगों ने जोर लगाकर उस काल यंत्र को घसीटा है। मैं उस लकीर के आगे लकीर के सहारे आगे बढ़ने लगा। आश्चर्य, क्या देखा फिर, इस लकीर के निशान तो उस पंख वाली मूर्ति की ओर आ गए हैं। मैंने मूर्ति के चबूतरे को ठोका तो पता चला कि मूर्ति तो अंदर से खोखली है, मतलब भारी वजन नहीं थी, अंदर खोखला था, उसमें कुछ भी नहीं था। मुझे यकीन हो गया कि काल यंत्र को इसी के अंदर छुपाया गया। मैं अंदर जाने का गुप्त द्वार खोजने लगा
और फिर क्या हुआ, इसी बीच अट्टालिका में अंदर सोए सभी लोग बाहर निकल आए। तो बच्चों आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। जो आज की घटना सुना है उसको आप एक बार फिर से बुक से पढ़ोगे और उसके बाद जो समझ नहीं आया पूछ सकते हैं और मीनिंग जो है आगे की आप लोग लिखते जाएंगे, है ना। ठीक है, अब कल हमें इसके आगे की घटना पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।